के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो भारत पहुंच चुके हैं। उनके एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम मोदी ने उनको अतिथि देवो भव का एहसास करा दिया। जैसे ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को देखा, वे उनको गले लगाने दौड़ पड़े। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति का 4 दिवसीय दौरा है और वो गंगा आरती में भी शामिल होने बनारस जाएंगे। अपनी पत्नी की जासूसी करवाते हैं बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, आपने सही सुना, पत्नी की जासूसी से जुड़े हुए केस में मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि वकील के जरिए उन्होंने एक जासूस को हायर किया। वो जासूस उनकी पत्नी के कॉल रिकॉर्ड उनको देता था। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि नवाज आखिर अपनी पत्नी की जासूसी क्यों करवाते थे। गोरखपुर और फूलपुर में चुनाव प्रचार थम चुका है, कल मतदान होना है, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सपा बसपा की लामबंदी बीजेपी को मात दे पाएगी या फिर बीजेपी 2014 की तरह इस बार भी अपना दबदबा कायम रखेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन और भारत से काफी नाराज हैं। ट्रंप चीन और भारत से अमेरिकन कंपनी पर लगाए गए ज्यादा टैक्सेस को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ये भी कहा है और धमकी दी है कि चीन और भारत ने यदि टैक्स कम नहीं किए तो अमेरिका भी उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगा। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद अब कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुका है। शमी की पत्नी ने कोलकाता के लाल बाजार थाने में केस दर्ज करवा दिया है। शमी पर हत्या करने की कोशिश, रेप और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। शमी के अलावा उनके परिवार के अन्य 4 सदस्यों पर भी केस दर्ज हुआ है।